हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? उस लकड़ी का उपयोग किया जाता था। दूसरा, सिंधु घाटी का पतन नगर कौन सा था? लोथल। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मृतिकों का टीला। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। आर्यों के आर्कटिक हम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिराज राजगृह। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध का। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेदि। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने कुलों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में। श्री कुमार संभवंशी महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। मगध के किस शासक को सैनी कहा जाता था? बिंबिसार को। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्रा भारत आया था? हेनसांग। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? विशाखा दत्त। इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? अरबों। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग अध्याय है? 8 अध्याय है। तंजोर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया? राजा राज ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद लोन को। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला कौन सा शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार के कवि थे? अलाउद्दीन खिजली के। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बलबन शाह ने। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। कबीर के प्रमुख रचना क्या है? बीजक। मुगल सम्राट का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। इसका एक बहादुर शाह जफर। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत के पहले लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? लोदी पराजित हुए थे। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन दो राज्यों को जीता था? बीजापुर और गोलकुंडा को। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को अपने दरबार में किस मुगल शासक ने रखा था? औरंगजेब ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ के किले में।
कौन सा यूरोपीय देश भारत में सबसे पहले आया और सबसे देर से गया? तो वह है पुर्तगाल लोग। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? वो कालीकट में उतरा था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने किया था? बाजीराव द्वितीय ने। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक चला। प्रशासनिक और अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? अब तो सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जन देव ने। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नरोजी। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी वह किनके बीच हुआ? बी आर अंबेडकर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। धन्यवाद। अगले प्रश्न को अगले वीडियो में देखेंगे।